हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CHSL 2021 का स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, कल ही आया था। और दोस्तों, आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, और मैं भी अपना रिजल्ट चेक कर लिया हूँ। लास्ट वीडियो क्लास में बताऊँगा कि मेरा क्या रहा रिजल्ट। और दोस्तों, आप लोग कटअप देखे होंगे, जैसे कि पहले भी जाता था अनरिजर्व का अदर मतलब जो जनरल पोस्ट है उसमें 7% ऑफ योर है, एक्यूरेसी 7% रहना चाहिए, और अदर कैटेगरी का 10% है, और इसमें DU के लिए 5% है अनरिजर्व का, और अदर कैटेगरी का 7% है। तो यही हमेशा ट्रेंड रहा है दोस्तों, और यही रहता है। और दोस्तों, ये मतलब कि एक बहुत अच्छा हुआ कि इस बार CGL 2021 का रिजल्ट पहले आ गया, एक दिन पहले। और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अभी है, टाइम अभी इसका डेट नहीं दिया है। इसमें बोला गया है कि हर एक रीज़न का अलग अलग डेट आएगा, और इसमें ये भी बताया कि जो आपका एक्यूरेसी है, आपका कितना परसेंट इरर है, ये आपको पता चल जाएगा कब, तो 23 मार्च को पता चल जाएगा। आप 23 मार्च को देख सकते हैं आपका कितना परसेंट इरर किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारे लिए बेनिफिट की बात हुआ है, मतलब एक पॉजिटिव बात हुआ है कि CGL 2020 का रिजल्ट पहले 21 का रिजल्ट पहले आ गया है। लेकिन दोस्तों, आने से नहीं होता है, ये देखना होगा कि कितना परसेंट बच्चे स्किप करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ डाटा में, 50-60% ऐसे CGL में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, मतलब CHSL में 50-60% CHSL में होंगे जो CGL 2021 में सिलेक्शन लिए हुए हैं, उससे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, CHSL एक मोर एन लेस उससे इजी ही पेपर आता है, और दो ही पेपर होता है इसमें, और उसमें तीन पेपर होते थे। और CGL का है तो हायर ग्रेड पे जॉब है, और ये लोअर ग्रेड पे का जॉब है, तो ऑब्वियसली इसमें जो है कैंडिडेट्स नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको बस इससे मतलब होता है कि हम मतलब कि सिलेक्शन लेकर अपने आसपास के लोगों को दिखाया है, या अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया है। मतलब एक तो यूट्यूब चैनल खोलने का ट्रेंड खुल चुका है कि मैं अपने को ये सिलेक्शन ले लेता हूँ और दिखाऊंगा कि मैं कितना में हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। पहले तो आप लोग एक सीट के लिए इतना लड़ रहे हो, पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करते हो, मतलब स्टार्ट करते हो, तो आप लोग क्या एक जॉब की ज़रूरत होती है, एक जॉब मिल जाती है, सैलरी आने लगती है, या मान लो अभी सैलरी नहीं आई है, अभी सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद आप मतलब पहले तो खूब लड़ झगड़ के कंपटीशन करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है, हर एक एस्पायरेंट से झगड़ा करके, लड़ झगड़ के, मतलब जैसे जो पढ़ाई से झगड़ा होता है वो बात बोल रहा हूँ, करके लेना है एक सीट, ठीक ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब आपको सीट मिल जाता है, सीट मिलने के बाद भी आप लोग स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से, जो जिनको जॉब नहीं हुआ है उनसे लड़ झगड़ रहे हैं, उनका सीट वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग ऑफिसर बन चुके हो, मतलब अगर आप लोग ये वीडियो जो भी CGL 2021 में CGL मेरे को तो पता है नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो देख रहे होंगे उनके पास पहुँचाइएगा, ये बताइए क्या चल रहा है सब। तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग ऑफिसर बन चुके हो, वैसा सोच भी रहना चाहिए। आप लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की जनता के बारे में, देश के लोगों के बारे में, गरीबी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे दूर हो सकती है, क्या हम कर सकते हैं अपने देश को अच्छा करने के लिए। पेट्रियोटिक जो है आपको सर्वेंट बनना चाहिए इंडिया के। लेकिन आप लोग ऐसे करते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है आप ज्वाइनिंग से पहले ही ऐसे आप लोग मेंटेलिटी रखेंगे तो कैसे होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अभी मैं देख रहा था, अभी एक टीचर के पास से कोई एक गर्ल्स कैंडिडेट फ़ोन की थी, गर्ल कैंडिडेट कि मेरा सर CGL 2020 में सिलेक्शन हुआ था, अच्छा मतलब रैंक पे भी थी, और अभी तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो ये मैंने दे दिया। अरे, फाइनल रिजल्ट आ गया है, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम है इसमें, और इसमें अच्छा रैंक हुआ है तो उसको मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। मतलब कि एक सीट का आपका बेस्ट नहीं, ये सीट का कोई वैल्यू नहीं है। आप एक तरह से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ये प्रॉफिट पहुंचा रही हो, और ठीक है गवर्नमेंट को प्रॉफिट पहुंचाना चाहिए, लेकिन कम से कम देश की जो युवा बेरोजगार है उनके बारे में तो सोचना चाहिए। ये ऐसे ऐसे काम ठीक नहीं। एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था, क्या क्यों मैथ्स करके है, उसमें एक लड़का बोल रहा है कि मैं पिछले साल 8वीं रैंक लाया था, इस बार 11वीं रैंक लाया हूँ। ये कौन सी बात हुई भाई, मतलब आप इसीलिए पैदा हुए हो क्या, एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपकी लाइफ में और कुछ बचा हुआ नहीं है क्या। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लोअर ग्रेड पे हैं तो उसमें सिलेक्शन हुआ तो आपको हायर ग्रेड पे जाना चाहिए, अपना बेस्ट चुनना चाहिए, ठीक है मानता हूँ ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप एक पोस्ट पे सिलेक्शन ले रहे हैं, फिर उसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उसी को सीट वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास थोड़ा सा भी आप लोगों के पास सेंस है कि अगर किसी को ये जॉब मिलेगा तो कितना खुशी उसको होगी, कितना लाइफ उसका मतलब बेटर होगा, आपको भी मतलब गॉड की तरफ से दुआएँ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, उनका भी दुआ रहेगा जिनका जॉब हुआ है।
और आपको भी एक सेटिस्फाई होंगे, मतलब आप अंदर से एक अच्छे फीलिंग आएगी कि हाँ चलो मतलब बहुत अच्छा काम किया स्किप करके। लेकिन आप लोग तो एकदम एक तरह से बोलते हैं ना क्रूवेल वैसे बनते जा रहे हैं दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए मैं बोलता हूँ। और दोस्तों ये CHSL 2021 एक लोअर ग्रेड पे की जॉब है, मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी CGL में सिलेक्शन लिए हुए हैं 2021 में इसमें नहीं जाएंगे। अब एक्सेप्शन में मैं तो बात नहीं करूँगा, जो कि जिनका केवल यही होता है डिवी देकर सिलेक्शन ले लूँ और आसपास के लोगों को पड़ोसी को दिखाऊँ कि हाँ मेरा ये सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। उनको ज़िंदगी का कोई प्लानिंग ही नहीं होता है, अपने लाइफ के कोई प्लानिंग नहीं होता है कि मैं मेरे मेरे क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे एग्ज़ाम देने के लिए ही नहीं आए हो ना धरती पे, बहुत कुछ करनी पड़ती है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें हैं ज़िंदगी में। ये सब छोड़िए, अब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम ये लाइफ की एक प्रोसेस है, दे लिए सेटल हो गए, आगे बढ़िए, आगे देखिए लाइफ की प्लानिंग देखिए, अब क्या कर सकते हैं यही बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिनका जिनका CGL में सिलेक्शन हो गया है, प्लीज़ प्लीज़ जो भी मतलब जिनका थोड़ा कम नंबर है उनके बारे में सोचिए और प्लीज़ स्किप कर दीजिए DV। और अगर जितना भी मतलब हैं उनमें से 60-80% भी स्किप करते हैं तो मतलब कि बहुत तेज़ी से कटअप नीचे जाएगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर में 2020-21 में अगर 20 नंबर बढ़ता था, 18 नंबर 17 नंबर बढ़ता था, तो इस बार 12-13 नंबर ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर समझ जाए सोच ले। ऐसे मैं CGL 2022 के कैंडिडेट्स को तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनका अभी तो चल ही रहा है, पर क्या होगा क्या नहीं होगा, और उनको कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वो लोग करेंगे भी नहीं। तो यही था रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा CHSL 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मैं अपना रिजल्ट का बात करूँ तो दोस्तों मेरा हो गया है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये 23 मार्च को आएगा, इसका मतलब कितना परसेंट एरर है वो भी दिखा दूंगा, मेरा कितना परसेंट एरर था। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें तो बहुत कम चांस लग रहा है मेरा, CHSL 2021 में मेरा मार्क्स कितना था वो देख लीजिएगा, वीडियो में वो भी लगा दूंगा। ठीक है, बाय दोस्तों, टेक केयर एंड